So good morning students, today we will start our new topic, that is electrochemistry. And believe me, chahe NEET ho chahe JEE ho, har ek saal ek question isme fix rehta hai. Advance mein maan ke chalo aapse ek se do question rahenge, mains mein aapka ek question rahega, NEET mein 100% ek se do question rehna tay hai. Aur ye topic board point of view se bhi kafi important mana jata hai, theek hai. Baat karte hain electrochemistry. Electrochemistry ka matlab kya hua bhai? Electro matlab hua aapka electric current. Kya hoga? इलेक्ट्रिक करंट. और यहाँ से बिकॉज केमिस्ट्री मतलब है तो भैया ऑब्वियस बात है, बात होगी किसकी? केमिकल रिएक्शन की, ठीक है. पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना क्या रहता है? जैसे आप जनरली आप जो रिमोट वगैरह चलाते हो, घड़ी वगैरह पहनते हो, तो घड़ी में आपने देखा एक बटन सेल होता है. बटन सेल का काम क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है. उस वजह से आपको क्या होता है? घड़ी चलने लगता है. या आप बस इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और एक ऐसा सेल भी होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ठीक है. जनरली आपका जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो चार्जिंग होते रहता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आप उसको दे रहे हो, तो वो उसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं और इस वजह से कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, बढ़ता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर जब आप जब करंट चली जाती है तो वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, अब क्या होगा, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो और इस वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो आप बोल सकते हैं इन्वर्टर जो भी होता है वो इट इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी इन्वर्टर बैटरी होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है. तो आपको जितने भी बैटरी वगैरह आपको पढ़ने हैं, पेंसिल बैटरी वगैरह या जो भी आप जानते हो सब चीजों को, ये आपके किस पर बेस्ड है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, ठीक है बेटा. तो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, ठीक है. तो क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ, विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ, विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ, विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, पहले तो दो पार्ट हमें पढ़ेंगे. पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दूसरा पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तीसरे पार्ट होता है, तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है. जनरली आप फिजिक्स में ये देखते होंगे कि जो वायर वगैरह होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटालिक वायर होता है, तो मेटालिक वायर की वजह से क्या होता है, वहाँ पे करंट फ्लो होता है, ठीक है. मेटालिक वायर की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिस वजह से करंट फ्लो किया जाता है. बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे होता है रोल आयंस का. तो यहाँ पे जो भी कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, आपको ये पढ़ना होगा किसी सॉल्यूशन में आयंस का फ्लो हो रहा है उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है. यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस वगैरह सब पढ़ोगे, लेकिन बस यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन, वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, ठीक है. तो दैट इज द बिग डिफरेंस. और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे आयंस के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है. तो ये भी होता है, इट ऑल्सो डील्स विद द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इट ऑल्सो deals with the conductance of solution, ठीक है. इसमें जो पहला पार्ट, यहाँ पे हमको दो टाइप ऑफ सेल पढ़ना है, टू टाइप ऑफ सेल्स,
ठीक है, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहला है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ईसीसी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भैया? जिस सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो सेल इन विच स्पॉन्टेनियस, सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स, सेल्स इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स, रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ सीई टू ईई टेक्स प्लेस। मतलब क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, अपने आप हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं होती बेटा, ये अपने आप टेक्स होता है, ठीक है। तो क्या होता है इस सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो रहा था, दैट इज वाई इसका डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होती है इसमें, नेक्स्ट है आपका दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है भैया? इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स, रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन अपने आप होता नहीं, यहाँ पर आपको करवाना पड़ता है, और वो आप कैसे करोगे, बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डेल्टा जी क्या होगा, यहाँ का डेल्टा जी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टू टाइप ऑफ सेल हो गए, ठीक है। अब पहले हम, क्योंकि हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, तो अब हम डिटेल में डिस्कशन इसी के, पूरे 4-5 दिन आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, आखिर साइंटिस्ट को ये आइडिया आया कहाँ से, ठीक है, हाउ द साइंटिस्ट गॉट द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो आप पेंसिल बैटरी वगैरह पढ़ते हो, पहले अचानक से पेंसिल बैटरी नहीं बनाता, पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता बड़ा सा, उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होते गई, बैटरी का साइज भी क्या होता है, छोटी होता है, तो बटन साइज का भी पेंसिल बैटरी आता, सेल आता, राइट। तो उसी ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ, तो क्या हुआ, किसी साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसको ये लिया सॉल्यूशन उन्होंने एक्वा CSO4 को, और जिंक रोड उसमें क्या कर दिया उन्होंने, डिप कर दिया, एक्वा CSO4 लिया और जिंक क्या कर दिया उन्होंने, डिप कर दिया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला, देखो, व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन एक्वा CuSO4 सॉल्यूशन following things are observed, ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन से उन्होंने आइडिया लगाया आखिर सेल कैसे जनरेट, उन्होंने क्या देखा कि जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद ये जो जिंक रोड की जो साइज है, मतलब जो शेप है, वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा, मतलब जिंक रोड धीरे धीरे क्या होने लग गया, गलने लग गया। अब ये गल क्यों रहा था, क्योंकि जिंक सॉलिड जो था वो कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 एक्वस फॉर्म में चला जा रहा था, ठीक है,
दो इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब जिंक जो था वो क्या हो रहा था यहाँ से, पहले तो जिंक क्या था सॉलिड, इस मेटल रॉड में किस फॉर्म में था, वो सॉलिड एटम के फॉर्म में था, फिर वो क्या हो रहा था धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक क्या हो रहा था ऑक्सीडाइज कर रहा था, जिंक क्या हो रहा था ऑक्सीडाइज कर रहा था, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा था जिंक जेडन प्लस टू जो एटम थे वो कहाँ, जेडन प्लस टू वाले कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन फॉर्म में चले जा रहे थे, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन जो बचा तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सी यू टू प्लस, ठीक है, सी यू प्लस टू जो एक्वस फॉर्म में था वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सी यू सॉलिड में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ओवरऑल इन दो रिएक्शन से उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, उन्होंने देखा कुछ समय के बाद ये रॉड क्या होने लग गया, आफ्टर सम टाइम कुछ करंट सिनेरियो ऐसा बना कि रॉड तो धीरे धीरे जिंक का क्या होने लग गया, घटने लग गया, और जो कॉपर जो यहाँ पे सी यू प्लस टू के फॉर्म में था वो यहाँ पे रेडिस ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में डिपॉजिट होने लग गया, किस फॉर्म में, रेडिस ब्राउन पीपीटी। आपने देखा होगा कॉपर का तांबा का लोटा जो होता है ऑब्वियस रेडिस ब्राउन कलर का ही होता है वो। मैंने ये देखा कि भाई एक्वस, आप थोड़ा ये पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस कि भाई वाटर में सी यू प्लस का कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो इनिशियली जब ये ब्लू कलर का था तो जब Cu प्लस टू डिपॉजिट होने लगेगा तो ये सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होगा वो थोड़ा थोड़ा फेड होने लगेगा, हल्का कलर होने लग जाएगा, और एक समय के बाद सारे Cu प्लस टू किस में डिपॉजिट हो जाएंगे, Cu सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब रेडिस ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। जिंक सॉलिड क्या होगा, जिंक सॉलिड कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, गलने लगेगा, मतलब जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होता जाएगा कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली किस फॉर्म में चला जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में आया, एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, Cu प्लस टू, इस वजह से फेड होने लग रहा है। तो ठीक है, क्या उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया कि वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज फेड्स, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, ठीक है, सॉल्यूशन का ब्लू कलर क्या होने लगे, हल्का होने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, आप जब इनको ऐड करोगे तो आपको रिएक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, जेडन सॉलिड प्लस सी यू प्लस टू टेंड्स टू गिव जेडन प्लस टू प्लस सी यू सॉलिड। ये जो था ये बेसिकली डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन था, क्या हो रहा था, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था। इसका मतलब जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा ऑब्वियस बात है हीट एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। तब उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे थर्मामीटर लगाया गया, ठीक है, थर्मामीटर जब लगाया गया तो यहाँ का देखा गया कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब जो भी हीट एनर्जी रिलीज हुई वो मेरा वेस्ट हो गया, है ना, क्योंकि भाई जो रेडॉक्स रिएक्शन था जो हो रहा है उसको तो मैंने कोई यूज कर ही नहीं पाया, क्यों नहीं यूज कर पाया, देखो तुरंत जिंक जेडम प्लस टू में गया और इलेक्ट्रॉन, क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, Cu प्लस टू तुरंत एब्जॉर्ब, मतलब तुरंत गेन कर लेगा और Cu सॉलिड में बना देगा, मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का टाइम ही नहीं मिला, और जब उसको टाइम ही नहीं मिला तो ऑब्वियस बात है वो कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है मेरा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ करंट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ दोगे भाई, इस डायरेक्शन से अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, वही होता कि भाई यहां पे जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का टाइम नहीं मिला कॉपर क्या किया, तुरंत अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर डिपॉजिट हो चुका है, इस वजह से इसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मिला, और जो एनर्जी रिलीज हुई, जो भी एनर्जी, क्योंकि हीट क्या है, हीट एक तरीके की एनर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो कोई मेरे यूजफुल काम में नहीं हो पाई, इसलिए यहां से उन्होंने क्या किया, यहां से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है मैं उसको डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली कर रहा हूं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि एक कंटेनर में अलग से बना रहा हूं रेडॉक्स ऑक्सीडेशन का और दूसरा कंटेनर में बना रहा हूं अलग से रिडक्शन का, तो शायद मुझे कोई यूज, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया वो लिख देता हूं मैं, टेंपरेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी क्या होती है मेरी, रिलीज होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को उन्होंने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली किसकी, अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चलो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी एक ही कंटेनर में हो रहा है, रिडक्शन भी एक ही कंटेनर में हो रहा है, अब इसको मैं क्या करता हूँ अलग अलग करता हूँ। तब इन्होंने
कॉन्सेप्ट निकाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या गैल्वेनिक सेल जिसको आप बोलते हो, वो यही है गैल्वेनिक सेल भी. ठीक है, तो उन्होंने अब कॉन्सेप्ट निकाला. अब उन्होंने क्या किया, आप डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ, थोड़ा पेज बड़ा रखिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ अलग से, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक रोड को डिप कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, जिंक रोड को डिप कर रहा हूँ, और उसी के सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस ZnSO4 में डिप कर रहा हूँ. किस में डिप कर रहा हूँ, एक्वस ZnSO4 में. ठीक है, उसी तरीके से मैं दूसरा कंटेनर ले लिया. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर रोड ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ मैं, कॉपर रोड ले रहा हूँ, और इसको मैंने डिप किया एक्वस CuSO4 में. किस में, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में. ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनको मैं वायर के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं. ठीक है, वायर के थ्रू क्या कर दे रहा हूँ मैं, कनेक्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि जिंक रोड की क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है. ठीक है, तो जिंक रोड तो क्या करेगा, जिंक रोड फिर से Zn सॉलिड क्या करेगा, Zn+2 एक्वस के फॉर्म में चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके. ठीक है, अब कहानी सुनो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 में चला जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और अपने आप को एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है, Zn+2 के एक्वस फॉर्म में वो बाहर जा, दो इलेक्ट्रॉन रोड पे डोनेट किया. मतलब ये रोड कहाँ कर रहा, ऑन द रोड, ये मतलब ये कहाँ कर रहा है, ये इनटू रोड कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर रहा है, इनटू रोड. क्योंकि जिंक, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी. अब जिंक की ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्यों है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए समझो कि उन्होंने सेल कैसे जनरेट किया, कि जिंक की क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है. ये क्या करेगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉन रोड पे डोनेट करके अपने आप को एक्वस फॉर्म में ले आएगा, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में बाहर आ जाता है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर फ्लो करेगा यहां से. ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे Cu+2 है, तो Cu+2 क्या करेगा, रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. मतलब Cu+2 एक्वस क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन रोड से, मतलब फ्रॉम रोड. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करे, ये रोड पे छोड़ता है और रोड से वो क्या करता है, वो कॉपर रोड से वो क्या करता है, वो गेन करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्वस Cu+2 के फॉर्म में जो भी Cu+2 आयन होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कॉपर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी क्या हो जाएगा, कॉपर पे डिपॉजिट होने लगेगा. क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होने लगेगा. आई बात समझ में, अब समझना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेरा डायरेक्शन कौन सा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेरा डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है. फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा. फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट इसके क्या होगा, फ्लो इसके जस्ट अपोजिट होगा. अब थोड़ा बात को समझो, आपने देखा होगा पेंसिल बैटरी का. ठीक है, तो पेंसिल बैटरी का ऊपर कैप होता है, नीचे क्या होता है, ऐसा बना होता है. तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल. और जब इसको बल्ब से कनेक्ट करोगे तो अभी समझा लाइट जलने लगती है. ठीक है, होता क्या होगा, आपने देखा होगा कि अब ये बैटरी जब इसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो अब ये बैटरी कितने दिन चलती है, मान के चलो 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक चलती है. अब वैसे हम भी खुद एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, हम क्या कहते हैं, बैटरी लाने का तो समय नहीं है, तो हम बैटरी को ठोकते हैं ऐसे, रिमोट को खूब ठोक ठोक के उसको 15-20 दिन और चला लेंगे. ये ठोकने का लॉजिक क्या है, कि भाई कहीं आयन दबा हुआ होगा, तो उसको ठोकने से क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. काइनेटिक एनर्जी मिलने से फिर से क्या करने लगेगा, ये फ्लो करने लगेगा. क्या करने लगेगा, फ्लो करने, और इस वजह से मेरा बैटरी फिर से काम करने लग जाएगा. लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है, तो ये हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक चला, उसके बाद ये बैटरी बंद हो गया. क्यों बंद हो गया, समझो बात को. यहाँ पे इनिशियली क्या हुआ कि देखो, इनिशियली Zn+2 का कंसंट्रेशन और SO4-2- का कंसंट्रेशन क्या था, बराबर था. तो इनिशियली ये सॉल्यूशन क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था. यहाँ पे भी क्या था, Cu+2 का कंसंट्रेशन और SO4-2- का कंसंट्रेशन क्या था, बराबर था. तो ये सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली क्या था, मेरा नेगेटिव था. अब थोड़ा बात ध्यान से समझना, क्योंकि जिंक रॉड क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को सॉल्यूशन के बाहर आ रहा है. इसका मतलब वेट ऑफ Zn रोड क्या होगा, घटेगा. वेट ऑफ Zn रोड क्या होगा, घटेगा. और ये कॉपर क्या हो रहा है, सॉल्ट के फॉर्म में इस कॉपर रोड पे डिपॉजिट
हो रहा है, तो यहाँ का रॉड का वेट क्या होता है, वेट ऑफ रॉड ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखना, इधर वाले का रॉड का वेट तो क्या हो रहा है, घट रहा, उधर वाले का रॉड का वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जेडन प्लस टू चार्ज क्या करने लगेगा, डोमिनेंट करने लगेगा, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और रोड पे चार्ज क्या आ जाता है मेरा, नेगेटिव चार्ज। रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लगता है मेरा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है मेरा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा, रोड का चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। और बाहर में क्योंकि देखो Cu+2 क्या है मेरा, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में चार्ज कौन सा डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मेरा बढ़ रहा है, मतलब SO4- एज इट इज रहेगा, Cu+2 घटते रहेगा। इनिशियली क्या था, Cu+2 SO4- बराबर थे, तब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था मेरा, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था दोनों तरफ का। यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि Zm+2 तो मेरा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रॉड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि Cu+2 यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और सॉल्यूशन में कौन सा, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, और इस वजह से यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा भाई, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन और यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी इसको जाने ही नहीं देगा, और गलती से एकाध इलेक्ट्रॉन चल भी गया तो यहां पे क्या होगा, ये जाने नहीं देंगे और ये आने नहीं देंगे उनको, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में क्या डेवलप हो रहा है मेरा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये ऑलरेडी इसको क्या नहीं करने देगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां को न्यूट्रलाइज करने में चला जाएगा, और यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां को पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में चला जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ये जाने नहीं देंगे, वो आने नहीं देंगे, भैया हम आने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस यहां पे क्या हो जाता है, सेल का कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों के बाहर के सॉल्यूशन का चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, तो मेरा इजिली क्या हो सकता है, मेरा काम हो जाएगा, तब तो मेरा सेल फिर से क्या हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में आने लगेगा। क्या क्या इस बात से आप सहमत मानते हो, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट किया, तो ये बताइए कि जो अगर आप ये वाले साइड में सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप होता है मेरा पॉजिटिव, और रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव। यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, वहाँ पे रॉड पे क्या चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप। तो यहाँ तक आपको आई हो सब चीज़ें बातें क्लियर आ चुकी होंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे कि अब ये वर्किंग कंडीशन में करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक यू शेप का एक ट्यूब इन्वेंट किया, यू शेप का क्या कर रहा है, ट्यूब इन्वेंट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं हम इसको, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर क्या करता है, KCl रखता है, एक इलेक्ट्रोलाइट रखता है, अगर अगर पाउडर के साथ, किसके साथ, अगर अगर पाउडर के साथ मिक्स होके, अगर अगर पाउडर के साथ ओके KCl सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिकली किस फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहता है, जेली टाइप जेली फॉर्म में रहता है, और यहां पे कॉटन उल लगा रहता है, क्या रहता है, कॉटन उल। अब ये KCl क्या करेगा, KCl क्या करेगा, यहां का प्लस टू के चार्ज को यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Cl- आ जाएगा, और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, K+ आएगा। K+ ही क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन में उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है, पॉजिटिव सॉल्यूशन जो मतलब बढ़ रहा है उसको Cl- क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगा, Zn+2 2Cl- रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Zn Cl2 बनाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K+ SO4- के साथ रिएक्ट करके K2SO4 बनाता है, क्या बनाता है, K2SO4, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये एक्वस फॉर्म में ही रहेगा बेटा, याद रखना, ये सॉलिड के फॉर्म में नहीं चला जाए, अगर सॉलिड फॉर्म में चला गया तो ये रिएक्शन, ये सेल कभी काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं काम करेगा ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, फिलहाल क्योंकि आपको पता है जिंक क्लोराइड क्या आता है, हाईली सॉल्यूबल होता है, तो ये Zn Cl2 के फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर से क्या करेगा, Zn+2 Cl- के फॉर्म में चला जाएगा, और ये ओवरऑल इस सॉल्यूशन को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ये सॉल्यूशन को भी क्या करेगा, K2SO4 भी क्या होता है मेरा, हाईली सॉल्यूबल सॉल्ट होता है, तो अगेन K2SO4 के बीच फॉर्म में रहेगा, इस वजह से क्या होता है, SO4- के चार्ज को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। और इस मेथड को उन्होंने क्या किया, क्या बोला, इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स
रिएक्शन. इसी मेथड को उन्होंने क्या बोला, इनडायरेक्ट, क्योंकि रेडॉक्स यहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. मतलब ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में हो रहा है, रिडक्शन अलग कंटेनर में हो रहा है. तो यहाँ वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. क्या हो रहा है यहाँ पे वाले कंटेनर में, ऑक्सीडेशन. और यहाँ वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. राइट हैंड साइड वाले में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले में रोड पे चार्ज क्या डेवलप होता है, नेगेटिव. और राइट हैंड साइड वाले में रोड पे चार्ज क्या होता है, डेवलप पॉजिटिव. या ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस कंटेनर में ऑक्सीडेशन डेवलप होता है या ऑक्सीडेशन होता है, उस कंटेनर उसके रोड पे डेवलप चार्ज होता है नेगेटिव. और जिस कंटेनर में रेडॉक्स रिडक्शन होता है, उसके रोड पे चार्ज डेवलप होता है क्या, पॉजिटिव. ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको, एनोड. तो याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड मतलब क्या होता है, जिस पे रोड पे चार्ज क्या हो मेरा, नेगेटिव. और कैथोड मतलब क्या होता है, जिसके रोड पे क्या हो, चार्ज पॉजिटिव. इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, एन ऑक्स और रेड कैट. इंग्लिश वर्ड है एन ऑक्स रेड कैट, एक ऑक्स और लाल बिल्ली. मतलब एन ऑक्स मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और रेड कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन. तो एन ऑक्स रेड कैट शॉर्ट फॉर्म में याद रखना. तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको, एनोड हाफ सेल. ये हाफ सेल है, ये दोनों मिलके पूरा सेल बना रहे, और ये सेल मेरा अकेला सिर्फ इस सेल को मैं क्या बोलूंगा, एनोड हाफ सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको, एनोड हाफ सेल. दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट सॉल्ट ब्रिज ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता. अब नॉर्मली इस बैटरी में देखना, एक सेमी परमिएबल जैसा कोई प्लास्टिक जैसा रहता है, वो क्या करता है, एनोड और कैथोड को अलग अलग करता है, जिस वजह से आपका कंटिन्यूसली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. इस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होती है, जनरेट होती है. आप कभी बैटरी, पेंसिल बैटरी को तोड़ के देखना, ग्रेफाइट रोड और उसके ऊपर जो बुरादा होता है, बुरादे के नीचे प्लास्टिक सा कुछ रहता है, जो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करता है, अलग अलग करता है. ठीक है, और जब तक वो नहीं होगा, तब तक वो पेंसिल बैटरी भी कोई काम का नहीं होता. आई बात समझ में. तो लेफ्ट हैंड वाले को हम क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल. राइट हैंड वाले को हम क्या बोलेंगे, जो कैथोड कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं कैथोड हाफ सेल, या जो कैथोड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड हाफ सेल. या आप इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं हम इसको, नेगेटिव हाफ सेल. और ये क्या होता है, पॉजिटिव हाफ सेल. ये क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, या इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल, या इसको हम बोल सकते हैं राइट हाफ सेल. तो इजी फॉर्मेट में इनको याद रखने के लिए लोन वर्ड याद रखना. क्या याद रखना, लोन. लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम एनोड बोलते हैं, और उसी पे रोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. तो लोन वर्ड याद रखना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है, आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में भी आएंगे. आई होप से समझ में आएगा आपको, अच्छे से समझ में आएगा. अब समझो, सॉल्ट ब्रिज में अगर आपसे पूछे कि किसका किधर फ्लो होता है, तो सॉल्ट ब्रिज का जो फ्लो ऑफ एनायन होता है वो कहाँ जाता है, एनोड के पास जाता है. ए वाला ए के पास जाएगा और सी वाला सी के पास. और कैटायन कहाँ जाएगा, कैटायन राइट हैंड साइड में जाएगा, फ्लो ऑफ कैटायन. तो सॉल्ट ब्रिज का जो एनायन होता है वो एनोड के पास जाता है, और सॉल्ट ब्रिज का जो कैटायन होता है वो कैथोड के पास जाता है. क्यों जाता है, ताकि उसके सॉल्यूशन का जो, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोलाइट. और इस रॉड को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल को इलेक्ट्रोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड. ऐसा भी वर्ड लिखा आता है कि जिंक इलेक्ट्रोड इज डिसॉल्व्ड इन ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट. तो ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और जिंक रोड आपके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोड. सॉलिड मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रोड के जैसे काम करता है, और ये लिक्विड सॉल्यूशन ये किसके जैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करते. क्या कुछ नहीं, फ्लो करने का, करंट फ्लो करने का ही बेसिकली ये काम होता है. तो दिस वाज योर ओवरऑल, व्हाट दिस वाज योर ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या गैल्वेनिक सेल आप जिसको बोलते हो, या डैनियल सेल, जो भी बोल लो, एक ही मीनिंग होता है. और एनसीईआरटी ये बहुत छोटे फॉर्मेट में दिया, इसलिए मैंने आपको पूरे बड़े बड़े से फॉर्मेट में समझाया. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है
कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज का ये पॉसिबल होता है जनरेट करना? नहीं, आप बिना सॉल्ट ब्रिज के आप कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना ही नहीं सकते। अगर इनकेस बना भी दिए तो बहुत ज़्यादा देर तक वो वर्किंग कंडीशन पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है और रॉड पे नेगेटिव, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, मेरा बंद हो जाता है दूसरे तरफ से। तो आई होप आप ये चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। एक मिनट के लिए डायग्राम को देख ले, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको लंबा चौड़ा डायग्राम बनाया, ठीक है? अब यहाँ पे आ रहा है मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं लिख रहा हूं, इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस, ठीक है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक इन्वर्टेड यू शेप का होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, चाहे KCl हो, KNO3 हो, NH4Cl, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सॉल्ट ब्रिज में यूज होते हैं, ठीक है? इन अगर अगर पाउडर या सेमी सॉलिड आप स्टेट बोल सो, या सेमी लिक्विड स्टेट बोलो, सॉरी माई मिस्टेक, ये सेमी लिक्विड स्टेट में होते हैं, जेली फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? ये जेली फॉर्म में रहते हैं, ठीक है? तो क्या है इसका, सॉल्ट ब्रिज इज एन सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-shaped tube which contains an inert electrolyte. क्या contain करता है? Inert इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो भी सेमी लिक्विड हुआ या लिक्विड फॉर्म में हुआ उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है जो क्या कंटेन करता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, लाइक KCl। एग्जाम्पल भी इनके याद रखना, लाइक KCl, KNO3 या NH4Cl इन अगर अगर पाउडर, किसमें? अगर अगर पाउडर में कंटेन होता है, जेली टाइप का होता है अगर अगर पाउडर में, ठीक है? ये याद रहेंगे आपको चीजें फंक्शंस के, ठीक है? सो दैट आयंस कैन मूव इजिली। आयंस क्या हो? इजिली क्या कर सके? अपना मूवमेंट कर सके, ठीक है? अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो पहले तो मैं इसको इनके फंक्शंस को बता देता हूँ। विदाउट सॉल्ट ब्रिज ये सर्किट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, मतलब किसी भी करंट फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट होना चाहिए, या शायद आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स वगैरह में, उसी तरीके से दिस इज नॉट अ क्लोज सर्किट, प्रॉपर क्लोज सर्किट नहीं। इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इसे हमें एक सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, एक तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है बाई मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? दूसरा क्या होता है, क्या करता है ये इलेक्ट्रिकली क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है इलेक्ट्रोलाइट को, क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। और दूसरा क्या करता है, जंक्शन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है, खत्म कर देता है। जंक्शन पोटेंशियल से क्या होता है वो भी आपको समझा रहा हूँ मैं, पहले मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है? चलो तो लिखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। अभी दो तीन लेक्चर जेई यूनिट का बिल्कुल सेम जाएगा, क्योंकि अभी बिल्कुल आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? प्रॉपर एनसीईआरटी में जो दिया वो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो क्या है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या, इट कंप्लीट द सर्किट बाय maintaining the flow of electron. It complete the circuit by maintaining the flow of electron. ठीक है? Next है, it maintain the electrical neutrality. It maintain
द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या होता है, इट सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अभी क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ऐसे समझो, सपोज करो ये अलग कंटेनर में नहीं लेके, मैं सपोज करो एक कंटेनर में ही ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया एनोड हो गया, ये क्या हो गया कैथोड हो गया, और इनको मैंने क्या किया कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया कंटेन कर दिया। अब क्या होगा, मान लो ये है, इसको मैंने ऐसा हल्का सा डिवाइड कर दिया, ये लिक्विड वन है और ये क्या है मेरा लिक्विड टू, क्योंकि ये लोन है तो लेफ्ट वाला क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो बाहर में चार्ज क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये क्योंकि लिक्विड टू है, लिक्विड टू राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है कैथोड, कैथोड के लिक्विड में क्या डेवलप होता है मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है मेरा नेगेटिव चार्ज, ये अभी हमने पढ़ा। अब देखो जब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब किसी चार्ज को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और इसी इलेक्ट्रिकल वर्क को हम क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ई इक्वल टू क्यू वी, क्योंकि आपको समथिंग पोटेंशियल आपने अप्लाई किया उस चार्ज को सेपरेट करने के लिए, ई इज इक्वल टू क्यू वी होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हुए। तो जब चार्ज सेपरेट होते हैं तो वहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है पोटेंशियल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, मान लो सॉल्ट ब्रिज क्या किया यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता, पूरा खत्म कर देता है बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ पे सब चीज़ें समझ में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एडवांस पॉइंट अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको समझू, बहुत बेसिक कंसेप्ट जो कंसेप्चुअल पार्ट है ये, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशन ऑन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, भाई आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज के, आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते, उसका अपना एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कंडीशन क्या होता है कि मान लो मैंने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें एनएच का स्पीड ज्यादा है फ्लो करने का, और एनएच का स्पीड क्या है मतलब फ्लो ऑफ आयन, मतलब उनकी जो स्पीड होती है आयन की फ्लो करने की, उनको हम क्या बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी, क्या बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। आयन मतलब जो उनका मूवमेंट करने का या स्पीड होता है सॉल्यूशन के अंदर जाने का स्पीड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, आयनिक मोबिलिटी होता क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन पर यूनिट टाइम बाय अप्लाइंग द 1 वोल्ट करंट इज नथिंग बट आयनिक मोबिलिटी। बेसिकली आप ओवरऑल जनरल भाषा में समझो उसकी स्पीड, अगर किसी एनायन की स्पीड ज्यादा है कैटायन से तो क्या होगा, पहले कैटायन एनायन यहाँ पहुंच जाएगा, कैटायन थोड़ा लेट से पहुंचेगा, तो क्या अभी भी ये जो सेल होगा वर्किंग कंडीशन में रहेगा, नहीं होगा, क्यों भाई, ये तो न्यूट्रल हो जा रहा है, ये तुरंत आके न्यूट्रलाइज करेगा, बट इसको न्यूट्रलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इसका पहुंचने का स्पीड ही कम है, और जब ये स्पीड कम होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो गया तो ये इसको आने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन ही नहीं हो पाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप यूज नहीं कर सकते इन द सॉल्ट ब्रिज। उसके लिए क्या होता है, कोई भी सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट तभी यूज हो सकता है जब दो आयन के आयनिक मोबिलिटी क्या होती है मेरी सेम होती है, ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, आप किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब जो भी रोड जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड, तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर इस रॉड के साथ रिएक्ट कर जा रहा है तो फिर भी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिएक्ट कर गया तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई, रिएक्ट कर गया तो डिपॉजिट हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस वजह से फिर भी सेल कंडीशन काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब कोई भी सॉल्ट ब्रिज को इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज में हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक तो दोनों आयन की आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दूसरा वो इलेक्ट्रोलाइट या उनके आयन्स कभी भी इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए, अदरवाइज सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं, पहला कंडीशन क्या है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन
आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन. आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, शुड बी सेम सो दैट बोथ हाफ सेल, सो दैट बोथ हाफ सेल, बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन, बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली. ठीक है, साइमल्टेनियसली. ठीक है, यहीं पे मैं आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनायन इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनायन इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनायन इन पर यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस of under the influence of an electric field of an electric field of an electric field having potential difference, having potential difference 1 volt, having potential difference 1 volt. ठीक है, 1 volt के डिफ, 1 volt के पोटेंशियल डिफरेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उसके इन्फ्लुएंस में जो एनायन ट्रैवल करेगा पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी. आप जनरल भाषा में ऐसा उसकी स्पीड. ठीक है, और याद रखना ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, अमंग द कैटायन, अमंग द कैटायन एच प्लस हैज हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी एंड अमंग एनायन OH- माइनस आयन हैज हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी. OH- माइनस आयन का क्या होता है, हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी होता है. ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विथ, शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल, एनी ऑफ द हाफ सेल दैट इज इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट. किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सेल वर्किंग कंडीशन पे नहीं होगा. जैसे सपोज करो अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का रहे, मतलब इलेक्ट्रोड क्या हो मेरा, सिल्वर का हो. ठीक है, तो सिल्वर के साथ अगर आपने क्लोरीन डाल दिया तो AgCl का क्या बना देता है, ये PPDY याद बना देता है. तो याद रखना कभी भी सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए हम KCl वगैरह NH4 वगैरह कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि AgCl का यहाँ पे क्या बन जाता है, PPT बन जाता है. ठीक है, तो याद रखना इस बातों को. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सॉलिड वाले मटेरियल का भी अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पोटेंशियल क्यों कब होता है, जब दो आयन्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, या दो चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डेवलप होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल हम कैसे मैनेज करते हैं, अरे आखिर क्या कंडीशन है, कोई अनायन अगर कोई एनोड बनेगा तो क्यों बनेगा वो एनोड, कोई मेटल इलेक्ट्रोड कोई कैथोड बन रहा तो वो कैथोड क्यों बनेगा, उसी को हम सीखेंगे अभी. ठीक है, कि जिंक आखिर एनोडी क्यों होता है या कॉपर हमेशा एज ए कैथोडी क्यों यूज करते हैं, तो हम सीखेंगे अभी.
ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब भी किसी मेटल रोड को आप उसके उसी के सॉल्यूशन में आप डिप करोगे, ठीक है, तो आयंस चार्जेस सेपरेट होंगे, मतलब आयंस में फॉर्म में जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, पोटेंशियल जनरेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है दो टाइप के फोर्सेस पे, ठीक है। जो फोर्सेस कौन से होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो मेटल रोड, इट डिपेंड्स ऑन द टू टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। पहला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा होता है सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, किसी मेटल का आयन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर बोलते हैं। और किसी आयन, किसी भी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, किसी आयन को मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में लिख देता हूं, whenever any metal rod is into the is dipped into the solution of its own iron, solution of its own iron, then depending upon the magnitude of two opposing tendency, मतलब दो फोर्सेस होते हैं या दो अपोजिंग टेंडेंसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी को एनोड या किसी को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बोलते हैं ना, वेट ऑफ द रोड घट रहा है, वेट ऑफ द रोड बढ़ रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये हम इन्हीं फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, इन्हीं प्रेशर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, थ्री पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, या तो वेट ऑफ द रोड बढ़ेगा, या तो वेट ऑफ द रोड घटेगा, या तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, वेट ऑफ रोड इंक्रीजेस। दूसरा क्या होगा, वेट ऑफ रोड डिक्रीजेस। तीसरा क्या होगा, वेट ऑफ रॉड रिमेन सेम, ठीक है। अब फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन प्रेशर, तो आपको अभी मैं समझा दूंगा क्यों रॉड का वेट घटता है, आखिर उन्हीं को एनोड क्यों बोला जाता है, सब हम इसी में सीखेंगे। तो ये इसका मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इंटू आयन, टू कन्वर्ट इंटू आयंस, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर। एक होता ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वो वाला ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा है, ठीक है। ये मेटल के लिए डिफाइन होता है, वो सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ आयन टू कन्वर्ट इंटू मेटल। तो मेटल में जो कन्वर्ट होता है, जो आयन मतलब जिस आयन की मेटल में बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। केस वन, अब यहाँ पे तीन केसेस बन जाते हैं। पहला केस वन क्या हो गया मेरा, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन ओपी। मान लो किसी मेटल में सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑब्वियस बात है मेटल, अगर किसी मेटल का सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा, मतलब मेटल का आयन में बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इन दिस केस मेटल हैज़ हाई
tendency. Metal has high tendency. High tendency to convert into iron. Metal has high tendency to convert into आयंस, टू कन्वर्ट इंटू आयंस, ठीक है. अब जब मेटल रोड का टेंडेंसी होगा आयन में कन्वर्ट करने का, तो वेट ऑफ द रोड घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल, वेट ऑफ द रोड क्या होगा? घटेगा. तो वेट ऑफ रोड डिक्रीजेस, वेट ऑफ रोड क्या होगा? घटेगा. और इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड. एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड is known as anode. इनको हम क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं. मतलब जब भी सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एनोड. इसका मतलब क्या होता है? एनोड में हमेशा वेट ऑफ रोड क्या होता है? हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है. जब भी एनोड होगा तो वेट ऑफ द रोड क्या होता है? घटता है. बेसिकली होगा क्या, आप बोल सकते हो इस केस में इलेक्ट्रोड पे तो कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रोड पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा. और इलेक्ट्रोलाइट पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रोलाइट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ZN और ZnSO4 में क्या था? जिंक रोड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ZnSO4 पे क्या रहता? पॉजिटिव. कहने का मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशन होगा. मान लो आपने इसमें क्या किया, किसी इलेक्ट्रोड को, इसमें कोई इलेक्ट्रोड है मेरा यहाँ पे जिसका आपने डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इनिशियली तो क्या होंगे? बराबर होंगे. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब मिक्स का आयन में बनने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या होगा, Mn प्लस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? कोई मेटल है जो n प्लस उसकी वैलेंसी है, Mn प्लस के फॉर्म में बाहर चला गया. मतलब कोई मेटल सॉलिड है वो Mn प्लस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा. सॉरी, Mn प्लस के फॉर्म बाहर आ जाएगा, डोनेटिंग द n इलेक्ट्रॉन. मतलब कुछ समय के बाद कंडीशन कैसा हो जाएगा? कुछ समय के बाद कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि भैया इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो रहा है मेरा? बाहर आ रहा है. पॉजिटिव चार्ज तो मेरा क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है. और इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला मेटल रोड पे क्या हो रहा है? बच रहा है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर चला है, आयन के बनने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है मेटल रोड की. इस वजह से क्या होता है, इसका वेट क्या होता है? घटते रहता है. और एक समय के बाद यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आप इसको क्या करोगे, वोल्ट कनेक्ट करके देखोगे, ऐसा इलेक्ट्रोड लो जिसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो हो, तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इसके वजह से होगा. ये कब होता है? ये कब होता है? जब इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट आ चुके होंगे. आई बात समझ में? जैसे इक्विलिब्रियम में आएंगे तो चार्ज इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो और एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लो जिसका क्या होता है, मेरा पोटेंशियल जीरो होता है. हमारे लिए सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस में, स्पेशल केमिस्ट्री में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं. ठीक है, SHE ने IUPAC ने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ, क्योंकि इनका ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है. अगर हमें किसी मेटल का पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को उसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते. मतलब वजह से जो भी डिफ्लेक्शन होगा तो वो इस रॉड की वजह से होगा, और जो डिफ्लेक्शन देगा वो इसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो आई होप सो इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी. एन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इनटू द रॉड रहता है. ठीक है, केस टू मैंने क्या माना? केस टू मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वैन OP इज ग्रेटर देन SP, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा? सो इन दिस केस, In this case, metal have high tendency. Ions have high tendency to convert into metal. And weight of rod क्या होगा? Weight of rod increases, and this type of electrode is known as क्या? कैटायन. क्या बोलते हैं हम इसको? कैथोड बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं हम इसको? कैथोड. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब भी OP greater than SP होगा तो क्या होगा, इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं. और इसका मतलब वेट ऑफ रोड यहाँ पे क्या होता है?
बढ़ता है, वेट ऑफ रोड क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पे तो क्या चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट पे क्या चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज आएगा नेगेटिव। जैसे मान लो कोई आपने ये मेटल रॉड लिया है, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर होंगे मेटल रॉड पे, तो ठीक है, मेटल रॉड पे क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आपने क्या, मुझे पता है इस मेटल का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मेरा, ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा सॉल्यूशन में कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप होने लगेगा नेगेटिव, सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप क्या होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज होने डेवलप होने लगेगा, और रॉड पे क्या चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा, रॉड पे चार्ज क्या बच जाएगा मेरा, पॉजिटिव बच जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा कि इस मतलब इस सॉल्यूशन में जो भी एम एन प्लस होगा वो यहाँ पे क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट होने के लगेगा, कहने का मतलब है एम एन प्लस क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर से एम सॉलिड बनने लग जाएगा। तो सॉल्यूशन में तो क्या चार्ज डेवलप होने लग गया, नेगेटिव, और सॉलिड और मेटल रॉड पे क्या चार्ज डेवलप होने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने, और इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल, और इस सेल को हम क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल, ठीक है। एनोड हाफ सेल में एन ऑक्स हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रहे होंगे, केस थ्री मेरा, ठीक है, केस थ्री क्या हो जाएगा, केस थ्री, आई होप सो ये चीज समझ में आ रही है कि जो भी सॉल्यूशन में जो कैटायन होगा इस पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा, जिस वजह से रोड पे तो चार्ज क्या डेवलप होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि रोड का जो भी नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो ये कैटायन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रोड पे तो क्या डेवलप हो रहा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा, और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन में बाहर क्या डेवलप होने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। अभी अगर मान लो मैंने क्या बोला, ओपी इज इक्वल टू एसपी, इसका मतलब ना ही रिडक्शन होगा ना ही ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, नो चेंज इन वेट ऑफ रोड, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसके जैसे काम करते हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के जैसे काम करते हैं, किसके जैसे काम करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड के जैसे काम करते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम ही क्या होता है, जब ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड हमेशा किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इनके बहुत सारे यूज होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड, क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे आप पेंसिल बैटरी वगैरह में पढ़ते हो, जो भी रोड आप देखते हो वो कौन सा रोड होता है, वो प्लैटिनम रोड होता है या कार्बन रोड होता है, जो पेंसिल बैटरी में जो ब्लैक कलर का जो आप डंडी देखते हो ना, तोड़ने के बाद जो अभी आपको मिलेगा वो आपको यही वाला मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, एक समय के बाद ये होते जाएगा, बट एक समय के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब भी आप इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करोगे मान लो, और कोई ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लो जिसका पोटेंशियल क्या हो, जीरो, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा इस यहाँ पे, क्योंकि जैसे मेटलिक वायर से कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर, उस मेटलिक वायर में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो होगा तो वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन देगा, और उस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफ्लेक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और इसी और जो पोटेंशियल डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं लिख देता हूं, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम there will be some separation of charges and due to charge separation a potential is developed which is known as electrode
पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अगर पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर पोटेंशियल रिडक्शन की वजह से होता है तो उसके वजह से हम उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इफ इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, भाई ऑक्सीडेशन के बाद कभी ना कभी ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, और फिर से अगर आप इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट करोगे डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट याद रखना अदर साइड वाला जो हाफ सेल होगा वो वैसा हाफ सेल होना चाहिए जिसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। वो एक ऐसा हाफ सेल है जिसका पोटेंशियल IUPAC ने जीरो मान के रखा है, तो जब भी डिफ्लेक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसके वजह से होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि चार्ज सेपरेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल मुझे रीड मिलेगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इफ इट इज ड्यू टू रिडक्शन देन इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आई बात समझ में, तो आई होप से ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसको ऑक्सीजन पोटेंशियल को हम शॉर्ट फॉर्म में OP लिखते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल को हम शॉर्ट फॉर्म में RP लिखेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आज का टॉपिक हमारे लिए यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई होंगी आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है, बिल्कुल सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स जैसा ही ये टॉपिक भी आसान, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको लॉगरिथम वाले के मिलेंगे। मैंने आपको पहले बोला था पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थोड़े बहुत जो हाई कैलकुलेशन मिलता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स बिकॉज ऑफ लॉग वगैरह आ जाते हैं। बाकी हालांकि चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा दम वाली बात नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एक एक चीज़ ध्यान से समझोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। एक बार मैं ये सजेशन जरूर दूंगा, चाहे वो JEE का स्टूडेंट चाहे NEET का स्टूडेंट, एक बार NCERT जरूर पढ़ने के लिए, जस्ट एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद गोथ NCERT सारे पॉइंट्स मैंने हालांकि इलाबोरेट किए हैं, जो भी NCERT में जो शॉर्ट में दिए हुए मैंने उसको इलाबोरेट किया, अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, ठीक है। तो आज के चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।